जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है और आज की खबर प्रदूषण के खतरे से जुड़ी है। एक नई स्टडी के मुताबिक प्रदूषण का बढ़ा स्तर दिल्ली वालों की बची हुई उम्र में करीब 12 साल कम कर रहा है। देश की बात करें तो लोगों की उम्र करीब 6 साल कम हो रही है। समझा जा सकता है कि ये खतरा कितना बड़ा है और इसीलिए हॉर्न बजाना जरूरी हो जाता है। दिल्ली में सांस लेना भी जहर लेने जैसा है। जिस प्रदूषण का सामना दिल्ली वाले करते हैं वो ऐसा दुश्मन है जो नजर तो नहीं आता लेकिन बेहद खतरनाक है। ये प्रदूषण आहिस्ता आहिस्ता शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है, बीमार करता है और इस तरह लोगों की उम्र कम कर देता है। एक नई स्टडी में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है और दावा किया गया है कि ऐसे ही हालात रहे तो दिल्ली वालों की बची हुई उम्र करीब 12 साल कम हो सकती है। ये हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए प्रदूषण चिंता का सबब है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया है। इसके मुताबिक भारत में प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से कहीं ज्यादा है, जो औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा यानी बची हुई उम्र को 5 साल 3 महीने कम कर देता है। लेकिन दिल्ली में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ प्रदूषण लोगों की जिंदगी के 11 साल 9 महीने कम कर रहा है, यानी पूरा देश और खासतौर पर दिल्ली वाले एक बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के छोटे से छोटे एरिया में गई हूँ, फिर भी मैंने देखा है कि लोग एडजस्ट नहीं, सबके घर में एसी है तो दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट फॉर इट। और प्लस वो जो कारपूल वाला सिस्टम है, आई थिंक वो सिर्फ मतलब कुछ दिन के लिए नहीं होना चाहिए, आई थिंक उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जिसकी वजह से आई थिंक थोड़ा बहुत पॉल्यूशन यहाँ की सही हो सकती है। प्रदूषण की तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन दिल्ली के अंदर में बड़े स्तर पर जो है प्रदूषण बढ़ोतरी कर रहा है और इसमें सरकार भी बड़े लेवल पर प्रयास कर रही है कंट्रोल करने के लिए, जैसे लाइक टू जैसे पौधे लगा के, पेड़ का लगा के कि उससे लोगों को रिलीफ मिल पाए। और आप देख रहे हैं बढ़ती हुई दिल्ली के अंदर पेशेंट भी बढ़ रहे हैं प्रदूषण के कारण, जिससे कि आज आम जनता को 3-4 बीमारी बड़े स्तर पे है पोल्यूशन को लेकर। दिल्ली में ही रहने वाले आदमी देख लो, जो दिल्ली में प्रॉपर रह रहे हैं वो उस रिटायरमेंट के 5-7 साल बाद ऐसे निचुड़ जाता है जैसे आम सूख गया हो, उसको पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है, बीमारी दुनिया भर की उसको, यहाँ बुरा हाल है। और सबसे ज्यादा तो यहाँ पे मिट्टी, धूल और ये जो फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज्यादा केमिकल की चीजें इस राजधानी में यूज होती है। दिल्ली में प्रदूषण हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। मुश्किल ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण दूर करने में कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन नई स्टडी दिल्ली के साथ साथ देश के हालात की ओर भी इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण का उम्र पर 3/4 असर सिर्फ 6 देशों पर है। इनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ भारत शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2021 तक दुनिया में हुई प्रदूषण वृद्धि में 59% के लिए भारत जिम्मेदार था। खासकर उत्तरी भारत में हालात चिंताजनक हैं, जहां मौजूद देश की 39% आबादी की उम्र 8 साल कम होने की आशंका है। नई स्टडी बताती है कि जनसंख्या घनत्व, गाड़ियां और खेती की वजह से उत्तर के मैदान में प्रदूषण ज्यादा है और इसकी वजह से सेहत के लिए खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत ने 2019 में प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP को लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रदूषण को 20-30% कम करना और खासकर देश के 100 से ज्यादा शहरों में हवा को साफ करना है। लेकिन नई स्टडी को देखते हुए जरूरी है कि प्रदूषण के खतरे पर हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण क्यों खतरनाक है, इसका हमारे दिल पर क्या असर होता है, इसे हमने समझा मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार से।
एयर पॉल्यूशन जो है आज के डेट में मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हो गया है, चाहे आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज देखें या रेस्पिरेटरी डिजीजेस देखें या सीओपीडी देखें। अभी जो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो यूनिवर्सिटी की जो आई स्टडी, ये बड़ी ही आई ओपनिंग स्टडी है, क्योंकि आप देखिए उन्होंने कहा है कि 11.9 ईयर्स आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रहा है जिस तरह के आप एयर पॉल्यूशन में या PM2.5 के कंसंट्रेशन में रह रहे हैं। देखिए WHO परमिट करता है कि 5 माइक्रोग्राम अगर पर क्यूबिक मीटर अगर घनत्व है PM2.5 का, तो इससे ऊपर जो है वो परमिसिबल नहीं है। हमने अपने नेशनल में 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक रखा है, उसके बावजूद देखा गया कि 5.8 ईयर्स का, मतलब उनका कहने का मतलब बड़ा सीधा है, जो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है कि अगर आप एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं करिएगा, अगर PM2.5 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहेगी, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमूमन 11 कम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो, खास करके अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जब बहुत खराब होता है, उस समय किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी से बचें, इसको कम से कम जेनरेट होने दें 2.5 को। तो आप जैसे हम कहते हैं ना कि आप जितने पब्लिक कन्वेंस हैं उनको इस्तेमाल करें, स्मोकलेस जो है बैटरी की जो चलने वाली गाड़ियां हैं उसको इस्तेमाल करें, जितना कम हो व्हीकल का इस्तेमाल करें, साइकिल्स पे चलें। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक कम्युनिटी टास्क है, एक आदमी के चाहने से होगा नहीं, ये पूरी कम्युनिटी को ये सोचना होगा।